साउथ एक्स मॉल में दर्शक की पिटाई और लूट प्रकरण। व्यापारियों ने एकत्र होकर डीसीपी साउथ से की मुलाकात। मॉल मलिक राजू अग्रवाल समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। डीसीपी रविंद्र कुमार से गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की मांग। मॉल के पीवीआर थिएटर में एसी फेल होने के विरोध पर घटना हुई। मॉल के बाउंसरों ने दर्शकों के साथ मारपीट और लूट भी की। क्या मामला है, किस लिए आप डीसीपी साउथ ऑफिस आए हैं? हम लोग साउथ एक्स में परिवार के साथ में अपने बेटे बहुओं और पत्नी के साथ में पिक्चर देखने गए। मूवी में एसी कार नहीं कर रहा था। पौन घंटे के बाद जनता ने शोरगुल किया और 5-10% लॉन्ज में पहुंचे। वहां मेरा बेटा भी पहुंचा और उसने कहा कि गर्मी बहुत है, अपना विरोध दर्ज कराया। उसके 5-7 मिनट बाद जब ये अंदर टाकीज में आ गया, उसके बाद इसको 3 लोग बुलाने आए। 3 लोगों ने बुला के बाहर इसको ले गए। जब ये 4 मिनट नहीं लौटा तो हमारा बड़ा बेटा भी वहाँ चला गया। उसके बाद इनको उसे पैसे दिए। पैसे देने में जब उसने कहा कि हम अंदर मम्मी पापा को बुला लें, तो उनको अंदर जाने से बहुत रोका, उसमें धक्का मुक्की की। जब धक्का मुक्की की तो ज़बरदस्ती आ किसी तरीके से हमको मैसेज किया कि यहाँ हंगामा कर रहे हैं। जब तक ये हमको खबर करता उतने बीच जो बड़े लड़के को उन लोगों ने ज़बरदस्ती सारे लोगों ने पीट दिया और बड़ी बदतमीजी की, अभद्रता की, अपराधी कृत्य किए। ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर मैंने बाद में थाना अध्यक्ष भी पहुँचे, वहाँ पर पुलिस के साथ में भी बचाने में भी उनको भी चोटें आईं। ऐसी स्थिति में जो सर्विस प्रोवाइडर जो अपने इंटरटेनमेंट के लिए सर्विस व्यवस्था देता है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं सार्वजनिक स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बाउंसरों को पहले ही प्रतिबंधित किया हुआ है कि किसी मॉल में जो नोएडा की घटना हुई कि कोई बाउंसर नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी बाउंसर हैं और बाउंसर को ये पुलिस किस तरीके से टैकल कर रही है वो तो पुलिस को टैकल करना है, लेकिन इस तरीके का हादसा ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी घोर निंदा करते हैं हमारा उद्यमी व्यापारी समाज। आज एसपी साउथ साहब से, रविंद्र कुमार साहब से मिलने आया है और ये विरोध करने और अपनी मांग करके आया है कि ऐसे अपराधी कृत्य करने वाले इन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ऐसे माल पे भी कार्रवाई की जाए जो मतलब बाउंसरों को रखते हैं और इस तरीके के कृत्य में सहायक हैं। पुलिस ने लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया है, अब आगे क्या चाहते हैं? हम लोग ही चाहते हैं कि ऐसे अपराधी कृत्य करने वाले लोगों को जो सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे पूरे सार्वजनिक जनमानस के साथ में ये अभद्रता कर रहे हैं, और ये पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, हर आदमी ये आवाज़ नहीं उठा सकता है। आज चूंकि हम एक व्यापारिक नेता भी हैं और सबकी बात को पटल पर रखते हैं, तो हम लोगों ने ये आवश्यक समझा कि ऐसी चीज़ को हम लोगों को उठाना चाहिए जो आम जनता के लिए ये घातक है। और आज इसमें सारे समाज के लोग, सारे उद्यमी व्यापारी और सारे लोग वहाँ पे आके अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जल्द से जल्द कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये तुरंत माल बंद कराया जाए।